स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन लर्निंग एंड मेनी मोर बाय अरविंद तरुण में। नया हर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में विद्यार्थियों का पंजीयन करने के बाद फॉर्मेट बी फॉर्मेट ए प्रविष्ट करने के बाद विद्यार्थियों को सुधारे निरस्त करने के बाद किस तरीके से हम एम्बिगुइटी की जांच करें, किस तरीके से एम्बिगुइटी की जांच करेंगे और विद्यार्थियों की संपूर्ण जानकारी सही होने पर किस तरीके से उसका प्रिंट आउट लेंगे हार्ड कॉपी में और भुगतान के लिए बीओडीओ को प्रेषित किस तरीके से करना है, इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में आज हम जानेंगे। आप यहाँ पे रिपोर्ट पे जाके अपना एक सत्र 2020-21 में जाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची यहाँ पे जाकर क्या कर सकते हैं, जितने भी विद्यार्थी आपने पंजीकृत किया है उसकी जानकारी यहाँ पे जाति वर्ग का अनुसार और कक्षा के अनुसार यहाँ पे पहले आप मिलान कर लीजिए। मिलान करने के बाद सभी जानकारियां सही है तो यहाँ पे हम पंजीयन 2020-21 में वापस चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एम्बिगुइटी जांच करें। यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो समरी डिटेल प्रपत्र ब या फॉर्मेट बी के अनुसार यहाँ पे जो जानकारी हमने एंट्री किया है वह और स्टूडेंट डिटेल प्रपत्र अ के अनुसार अर्थात फॉर्मेट ए के अनुसार हमने जो पंजीयन किया है उसकी जानकारी अब इस तरीके से हमारे सामने दिखाई देती है। और यहाँ पे नीचे हमें वेरीफाई का ऑप्शन हमारे सामने दिखता है तो अगर जानकारी सही है फॉर्मेट ए और फॉर्मेट बी के अनुसार तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से वेरीफाई पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक मैसेज आता है, कृपया रिकॉर्ड सुरक्षित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवे कि आपके द्वारा चयनित विद्यार्थी सही है, क्या आप चयनित विद्यार्थियों को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे फिर एक मैसेज आता है कि स्कूल रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे फिर हम वापस ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से एम्बिगुइटी की जांच कर सकते हैं और अगर वहाँ पे कोई त्रुटि हो गई है तो आप यहाँ पे जाकर हेल्प मेनू में जाकर यहाँ पे अनवेरीफाई एम्बिगुइटी यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर वापस विद्यार्थियों को फिर से एंट्री करके हम फिर एम्बिगुइटी जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से एम्बिगुइटी की जाँच करने के बाद भुगतान के लिए यहाँ से आप भुगतान के लिए बीओ डीओ को प्रेषित करें, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। विद्यार्थियों की संपूर्ण जानकारी को चेक करने के लिए नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और उनके खाता की जानकारी इस तरीके से और उनकी राशि की जानकारी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जानकारी अगर कम्प्लीटली पूर्ण रूप से सही है सभी विद्यार्थियों की तो आगे की प्रक्रिया में हम बढ़ते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम विद्यार्थियों की जो जानकारी है उसे हम प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड टू डीओ का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन को डीओ को सेंड कर सकते हैं। इसके पूर्व यहाँ पे दिया जा रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि शाला के सभी पात्र विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति पोर्टल 2020-21 में पंजीयन हो गया है और विद्यार्थियों का बैंक खाता नंबर आईएफएससी कोड सही है तथा खाता चालू हालत में है, किसी भी विद्यार्थी का पंजीयन एक से अधिक बार नहीं हुआ है या प्रमाणीकरण पूछा जा रहा है। तो सभी जानकारियाँ अगर सही है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट आउट ले लेते हैं, क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी विद्यार्थियों का हमने पंजीयन किया है उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे सामने आ जाती है और इस तरीके से पीडीएफ फाइल हमारे सामने ओपन होता है। तो
इसको हम प्रिंट आउट लेकर हार्ड कॉपी जब जमा करने को कहा जाएगा तो हम जमा कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की जो अंतिम जो प्रक्रिया है वह है सेंड टू डीओ का, तो उसे हम देख लेते हैं। इस तरीके से प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड टू डीओ, तो सभी जानकारी अगर हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड टू डीओ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, कृपया रिकॉर्ड सुरक्षित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवें कि आपके द्वारा चयनित विद्यार्थी सही है, क्या आप चयनित विद्यार्थी को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज आता है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेंड टू डीओ, यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं। सेंड होने के बाद सेंड टू डीओ का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से आगे की प्रक्रिया जो पंजीयन के बाद की है, एमओगीटी जांच करें और अन्य सेंड टू डीओ का ऑप्शन और प्रिंट आउट किस तरीके से लेना है उसके बारे में जाना। तो ऐसे ही और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।